आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। SMP न्यूज झारखंड में सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम के ढुलमुल रवैये के कारण पंडरा रोड में पिस्का मोड़ से लेकर कृषि बाजार तक कई दुकानें सड़क पर अस्थायी रूप से अस्थायी रूप लेने लगी, जिसके चलते आए दिन सड़क जाम। आपका अपना SMP न्यूज यहां से गुजरने वाले लोगों की समस्याओं को दिखाया, साथ ही एम्बुलेंस का जाम में फंसने के कारण मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए खबरों को दिखाया। तब जाकर पिछले दो दिनों से नगर निगम की एनफोर्समेंट और विजिलेंस की टीम के द्वारा इन दुकानदारों पर सख्ती बरती जाने लगी। लेकिन यहां एक अहम सवाल कि क्या ये दुकानदार जो सड़क को अवैध कब्जा कर अस्थायी दुकान बना लिए हैं, क्या ये हटेंगे? यह कहना जल्दबाजी होगा। आज सुबह से ही एनफोर्समेंट की टीम पंडरा से रातू रोड तक तिरपाल और बांस बली से बने होटल और सब्जी दुकानों को हटाया गया, लेकिन शाम ढलते ढलते ये दुकानें फिर से सजने लगी। जबकि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नाली के ऊपर बने स्लैब पर ठेला खोमचा या सब्जी दुकानें लगाने की छूट दी गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, नगर निगम के अधिकारियों का यह कहना है कि आप अपनी दुकानों को लगाएं, लेकिन अपने दायरे में। सुबह रखें, दिन भर रखें, लेकिन शाम रात होते होते यहां पे फिर कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि यहां पे अस्थायी रूप ले लिए हैं सभी दुकानदार, बांस बली लगा करके बड़ी बड़ी दुकानें बना लिए हैं। उन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं रांची पुलिस को भी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है, इसलिए यह एक्शन लेना पड़ा नगर निगम के अधिकारियों को। और सबको यह चेतावनी दी गई दुकानदारों को कि आप अस्थायी दुकान न लगाएं, आप अपने परिवार को चलाएं, हम आपको दुकान लगाने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बांस बली और टेंट के जो आप दुकानें बना रखे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। और उसका खामियाजा यही हुआ कि सभी दुकानों को ध्वस्त किया गया अधिकारियों के द्वारा, उनके टीम के द्वारा, और कुछ सामानों को भी जब्त किया गया। अब यह देखने वाली बात होगी कि कब तक इन दुकानदारों को हमेशा के लिए हटाया जाता है। फिर से आपको हम बता दें, हटाने का मतलब हुआ कि क्या यह बांस बली की दुकानें अभी भी जमी रहेंगी इन सड़कों पर, या बांस बली हटा करके टेम्पोररी दुकानें वहां लगती हैं, जैसा कि अधिकारियों ने कहा कि आप टेम्पोररी दुकानें लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी दर्शकों को, SMP के जो भी दर्शक हैं हमारे, जो इस चैनल को जानते हैं कि हम लगातार आम पब्लिक के मुद्दों को लेकर के आपके बीच से खबरों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप दर्शकों को बताना जरूरी है, कल की खबर पर एक आशुतोष कुमार नामक युवक ने खबर दिखाने के बाद SMP न्यूज झारखंड की टीम को धमकी दिया है, यहां तक कि कैमरे तोड़ने की बात कही है और मारने पीटने की भी बात कही है कमेंट के द्वारा। इस बात का संज्ञान स्वयं रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा ने लिया है। आपको बताना चाहता हूं, आमजनों की समस्याओं को SMP न्यूज झारखंड दिखाता रहा है और दिखाते रहेगा। हमारा टीम किसी भी धमकी से नहीं डरता, उसका तस्वीर आपके हम समक्ष दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति का तस्वीर है जिसने यह कमेंट किया है। हालांकि ऐसे लोगों से SMP की टीम कभी भी, ऐसे लोगों से, इनकी धमकियों से डरेगा नहीं और लगातार आमजनों की मुद्दे की बात उठाता रहेगा। फिर भी आज दिन भर क्या हुआ, इस विजुअल के माध्यम से आप देखें और अधिकारियों ने इस पर क्या कहा, हम आगे सुनते हैं। अब सभी दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि आज रातू रोड एरिया का भ्रमण SMP की टीम ने किया और देखा कि सभी सब्जी वाले अपने सही स्थान पे अब दुकानों को लगाने लगे हैं और वो रूट भी क्लियर हो गया है। लेकिन आम पब्लिक अभी भी, हम कोशिश करेंगे एक से दो दिन में आपको हम वो भी लाइव विजुअल दिखाएं कि शाम का जब टाइम हो रहा है तो सब्जी वाले तो अपने जगह चले गए हैं, लेकिन सब्जी लेने वाले, सब्जी खरीदने वाले लोग आज भी अपनी वाहनों को कहां लगा रहे हैं, हम यह भी दिखाएंगे। क्योंकि दुकानदार तो अब समझ गए हैं, लेकिन आम पब्लिक समझने को तैयार नहीं। जबकि उन दुकानों को, सब्जी वालों को पीछे इसलिए किया गया कि आगे में सब्जी मंडी के पास जगह खाली रहेगा, जो दुकानों के सामने जो सड़क पे गाड़ियां खड़ी होती थी वो अब नीचे लगेंगी। लेकिन अभी भी जगह रहते हुए बाइक वाले, फोर व्हीलर वाले अपने वाहनों को अभी भी सड़क पे पार्क कर रहे हैं और सब्जी खरीद रहे हैं। तो अब इन पर
रांची पुलिस रांची यातायात के पुलिस के द्वारा यह निर्देश दे दिया गया है रांची यातायात पुलिस को, इस रूट के सभी अधिकारियों को, कि अब जो भी नो पार्किंग में वाहन लोग खड़े कर रहे हैं अब उन पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो यदि यह गलती आप कर रहे हैं कि रातू रोड में वाहन को खड़ा कर रहे हैं नो पार्किंग जोन में, तो सावधान हो जाएं और सही जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क करें और मार्केटिंग भी करें, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे पे केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो हमारा राज्य हमारा शहर कभी भी नहीं सुधर पाएगा और ना ही यह रांची स्मार्ट सिटी बन पाएगा जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। तो एक जागरूक नागरिक बने और अपने दायित्व को समझें। और एक रिक्वेस्ट हम फिर से करेंगे कि प्लीज यदि आप किसी भी रूट में कहीं भी जा रहे हो एम्बुलेंस का सायरन सुने तो प्लीज आप उस एम्बुलेंस को जाने दें। हमारा मोटिव भी यही है, हम लगातार इस बात को अपने स्क्रोल में हम चलाते हैं, जियो और जीने दो। इस बात को अपनी जिंदगी में हम लेकर के चलेंगे तो कभी भी किसी को कभी परेशानी नहीं होगी। आज का जो हमारा अभियान चला है पंडरा से रातू रोड का, तो यहाँ से जो मुर्गा चिकन का दुकान है इन लोग का जाली हम जब्त कर रहे हैं, कुछ बांस बली है वो जब्त किए, जो लोग दुकान का ओनर थे उन लोग का सामान रिटर्न दे दिया गया है और उसे वार्न करके समझा करके बोला गया है कि आप इस तरह से सेट ना लगाएं। जो लोग दुकानदार नहीं है उनका सामान हम जब्त करके ले जा रहे हैं बकरी बाजार। इसमें आगे के लिए क्या कह दिया गया, जो अभी तक दुकानें नहीं खोल पाए हैं, जो अभी दुकान नहीं खोल पाए हैं उन लोग के लिए हिदायत ये है कि शेड लगा के काम नहीं करें, क्योंकि शेड इंक्रोच करने से होता है क्योंकि रोड है, रोड किनारे आप शेड लगाइए आगे दिखाई नहीं देगा किसी भी ड्राइव करने वाले व्यक्ति को, तो इससे एक्सीडेंट का चांस बढ़ता है। रोजगार कीजिए आप, रोजगार का कोई ये नहीं है, गरीब दबके के लोग हैं, आप ठेला लगाइए किनारे लगाइए, किसी तरह से बाधित मत कीजिए, खुद अपने से सूझबूझ रखना है इन लोग को। एसएमपी न्यूज़ के द्वारा कल खबर चलाया गया था आपके अभियान पे,
और SMP न्यूज के टीम को धमकी मिली है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो SMP न्यूज के ऊपर जो धमकी दिया गया है, जो भी लड़का धमकी दिया है, ये सरासर गलत है। और इतना है कि प्रशासन इतना एक्टिव है कि उस धमकी के लिए आपके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, SMP के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। और इतना वायरल हो गया है उसका फुटेज की कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएगा, लड़का ऐसे बच के नहीं जाएगा। वो आगे क्या अभियान के लिए क्या बोलेंगे, चलेगा फिर से अभियान, फिर से आगे चलेगा? जी, अभियान चलता ही रहेगा हमारा, पूरे रांची में चल रहा है अभियान, पूरे रांची में हमारा अभियान चलता ही रहता है, अलग अलग रूट में हमेशा चलता ही रहता है, ये भी चल रहा है। जी, तो अभी आपने सुना नगर निगम के अधिकारी को, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आगे भी टीम लगातार इन सड़कों पे कार्रवाई करती रहेगी जब तक यह अतिक्रमण यहां से मुक्त नहीं हो जाता, रातू रोड और पंडरा रोड। नगर निगम के कार्रवाई पर कुछ दुकानदारों ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं। हालांकि दुकानदारों ने इस अभियान को लेकर सपोर्ट भी किया, फिर भी क्या कहा दुकानदारों ने, हम आइए सुनते हैं। अब ये सब्जी व्यवसायी हैं और इन्होंने भी ये छज्जा लगा करके रखा हुआ है, हालांकि इस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, अभी देखा कि हमने नगर निगम के लोग आए थे, तो आपको क्या बोले कि दुकान हटा लो? ना बोलो, लोग छपरी हटा लो सर, से अपना बेचो पीनो कमाओ खाओ। तो ये सही है कि गलत है? सही है बाबू, सही है। हाँ, आप लोग नगर निगम के अधिकारियों के समर्थन में हैं? हाँ हाँ हाँ, हम लोग नगर निगम लोन भी 10,000 दिया फुटफाट वाला को। तो मतलब आप लोग ये जो छज्जा है ये सब हटा लेंगे? हाँ हाँ हाँ, हटा लेंगे, हटा लेंगे। हाँ, प्लास्टिक से टोप टाप के कैसे अपना काम चलाएंगे, बाल बच्चा के पोसेंगे, एगो तो कोरोना सताया है। तो इसीलिए उन्होंने आपका फाइन नहीं काटा और कहा कि आप दुकान लगाओ, केवल छपरी हटा दो? छपरी हटा लो, तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जी खा लेंगे। सब्जी वाला है, आलू प्याज थोड़ा भींग जाता है, इसलिए प्लास्टिक से टोपते हैं। वो तो प्लास्टिक भी मना नहीं कर रहे हैं, उनका कहना कि बांस बली मत लगाओ। हाँ ठीक है बाबू, है ना? हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं है। अभी नगर निगम विजिलेंस की टीम पहुंची थी, आप लोगों का ये ऊपर का जो छपरी, जो छजरी जो लगा कर रखे हैं, इसको हटाया गया, क्या उन लोगों ने सही किया या गलत किया? सही तो किया सर, कि गलत सही नहीं किया है, सही किया है। क्या आप लोगों को दुकान हटाने के लिए बोला गया? नहीं, दुकान हटाने के लिए बोला नहीं गया, छपरी मतलब बली को नहीं लगाने का, प्लास्टिक को बांध के अपना लगा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम लेटेस्ट अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।